गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बाजू की कटिंग बताऊंगी। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने एक सिंपल सूट की आपको कटिंग बताई थी, इस वीडियो में मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ। बाजू की कटिंग के लिए हमारे पास एक बाजू की लेंथ होनी ज़रूरी है और दूसरी बाजू की मोरी, जो कि मेरे पास लेंथ है 14 और मोरी है 15। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं। कपड़ा हमारे पास, जैसे मेरे पास है लेंथ, तो उसमें 2 या 3 इंच का मार्जिन लेना है। तो मैं जैसे 17 या 18 इंच का मैं कपड़ा लूँगी, उसको डबल फोल्ड करूँगी, जो कि डबल फोल्ड में 17 या 18 को, क्योंकि हमें दो बाजू कटिंग करनी है। डबल फोल्ड करने के बाद मैं उसको चौड़ाई में ऐसे फोल्ड करूँगी। तो पहले मैंने इसको लंबाई में ऐसे फोल्ड किया, जो कि मैंने लिया है 16। उसके बाद मैंने इसको चौड़ाई में फोल्ड किया। चौड़ाई में फोल्ड करने के बाद ये है मेरा बंद हिस्सा कपड़े का, और ये है मेरा ओपन वाला हिस्सा, खुला हिस्सा। सबसे पहले मैं माप का निशान लंबाई का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लंबाई ली 14 और उसमें 2 इंच का मार्जिन दिया। यहाँ पे लंबाई का निशान लगाने के बाद, उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे आर्म होल लेंथ का निशान लगाऊंगी, कि आर्म होल की कटिंग के लिए कहाँ पे हमें कटिंग करनी है, फिटिंग के लिए उसका निशान लगाता है। तो ये मैं 3 पे लगाऊंगी। यहाँ लंबाई से मैंने 3 इंच तक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ तक सीधी। ये 3 इंच का हम कैसे देखते हैं कि किसी भी बाजू, जैसे हमारी चेस्ट का जो माप होता है ना, उसके हिसाब से हम आर्म होल की लेंथ निकालते हैं। जैसे किसी की भी चेस्ट अगर 31 से 35 इंच है, तो उनका हम आर्म होल लेंगे 3, और अगर किसी की चेस्ट 36 से 45 है, तो उसका हम कर देंगे 3.5 कर देंगे। उसके बाद जो जिनकी ज़्यादा हैवी है, जैसे 46 से 54 है, तो उनके लिए हम लेंगे 4। अगर मेरे पास यहाँ 46 या 54 के बीच में होती, तो यहाँ पे मैं आर्म होल लेंथ लेती 4। तो फिटिंग के हिसाब से मैंने लिया, यहाँ पे मेरी आर्म होल लेंथ है 3, मेरे पास है चेस्ट 36 है, तो उसमें है मैं 3 3 लूँगी। 3 भी ले सकती हूँ, 3.5 भी ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 ली है। 3 लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने आर्म होल लेंथ ली, तो उसके लिए हम फिटिंग, बाजू की फिटिंग का निशान लगाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे बाजू के आर्म होल चौड़ाई निकालने का तरीका हमारे पास ये है। जैसे कि हमारी चेस्ट है 36, इसमें चेस्ट के माप की ज़रूरत होती है। जैसे इसमें मेरी चेस्ट है 36, तो मैं क्या करूँगी, चेस्ट का पाँचवा भाग निकालूंगी। ये आएगा 7.2, मतलब 7 इंच, और इसमें 2 सूत और आएगा। इंच टेप में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी लाइनें होती हैं, उनको हम सूत बोलते हैं। देखिए, ये देखो, मेरे पास 1 इंच है, ये 2 इंच है, जो ये सूत है 1 2, ये हमारे पास ये होते हैं सूत। तो अगर हमने 7.2 बोला है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 7 और ये 1 सूत, 2 सूत, 7.2 है, तो 1 सूत हो गया, 2 सूत। यहाँ पे मेरी बाजू की फिटिंग यहाँ पे आएगी, मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से लेके, जैसे ही मैंने यहाँ से लिया स्टार्टिंग से, और यहाँ तक ये हो गया मेरा 7.2, यहाँ की लंबाई की मैंने 7.2 पे निशान लगा लिया। उसके बाद यह है मोरी, मोरी मेरे पास है 5, तो यहाँ पे किनारे पे मैं यहाँ मोरी का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 5 लिया और 2 इंच का मैंने यहाँ पे मार्जिन दे दिया। तो हमने टोटल लिया 7, 5 इंच की मोरी और 2 इंच का मार्जिन। यहाँ भी हमने मार्जिन दिया, यहाँ भी हमने मार्जिन दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की कटिंग के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे 3 तक, जैसे 2.5 या 3 तक सीधी लाइन लगाते हैं ऐसे, और उसके बाद हम यहाँ पे कर्व किसी भी आर्म होल स्केल के साथ या वैसे अंदाजे से भी हम इसका ऐसे निशान लगाएंगे। जैसे 3 जन के बाद ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा फिटिंग का निशान था 7.2, वहाँ तक हमने ये निशान ऐसे लाइन लगा ली। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग है। उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी इससे आधा या 1 इंच ज़्यादा होती है, कम होती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे, अगर आपको मापनी नहीं आती, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बीच में इसका और इसका, जैसे ये सीधी लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक सीधी लाइन लगाऊंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये सीधी लाइन लगाई, और इसका हम बीच वाला पार्ट लेंगे। जैसे मेरे पास ये 6 इंच है, तो यहाँ मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। 3 इंच से मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ये 3 आ गया, 3 इंच से आधा इसका यहाँ तक, आधा यहाँ तक आया आधा, तो यहाँ से मैं यहाँ से 1 इंच छोड़ के, 1 इंच सीधी लाइन, 1 इंच छोड़ के, और यहाँ तक ऐसे मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करूँगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए इस लाइन से ये मेरा फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पे ये मेरी बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 जो हमने बाजू ली थी, सबसे पहले हम चारों हिस्सों का ऐसे एक जैसा कटिंग करेंगे। उसके बाद हम बाजू के, दोनों बाजू के फ्रंट पार्ट को निकालेंगे, जो भी हमारा फ्रंट पार्ट होगा बाजू का। उसके बाद हम इनकी
फ्रंट पार्ट की यहाँ पे कटिंग करेंगे आधा इंच। और तो ये है हमारी मेरी बाजू की कटिंग। आपको अगर मेरी ये कटिंग अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।